sorry, it's DJ. स्वागत है आप सभी का आपको अपने हिंदी YouTube चैनल और एजुकेशन पॉइंट में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि इससे पहली वीडियो हमारी आप नहीं देख चुके हैं अभी तक, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप हमारी इससे पहली वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आज जो हमने जो चैप्टर लिया है वो है चैप्टर नंबर 9, और उसमें ऊंचाई दूरी में क्वेश्चन दिए गए हैं। कुछ उससे पहले हम क्वेश्चन करवा चुके हैं 3, आज है 4th क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आज। तो इस क्वेश्चन को पहले आप समझ लें पूरे ध्यान से, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, उसमें जो मेन टॉपिक है वो ही यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि भूमि पर एक बिंदु है, बिंदु की मीनार का एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से जो दूरी है उस बिंदु की 30 मीटर है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपको किस तरह से करना है, सबसे पहले आपको एक मीनार यहाँ पे बना देनी है इस तरह से ही मीनार, उसके बाद में एक बिंदु लेना है यहाँ पे, मान लिया हमने यहाँ पे ये बिंदु लिया है और कोण बनाना है 30 का, तो इस तरह से ये खींच दिया यहाँ पे, तो ये कोण हो गया है 30 का। और फिर कहा है कि ये दूरी जहाँ पे बिंदु आपने लिया है वो दूरी है 30 मीटर की, उसी के अकॉर्डिंग आप कर देंगे, ये है आपका 30 मीटर। यहाँ से नाम ले लेंगे ए बी और सी। तो क्वेश्चन को पहले समझ लें, कहा गया है कि एक मीनार है भूमि के तल पर, जिसके पाद बिंदु से किसी बिंदु की जो भूमि पर ही है की दूरी 30 मीटर है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उस बिंदु से 30 अंश है, तो मीनार की हाइट ज्ञात कीजिए। ये जो मीनार की हाइट है ये आपको ज्ञात करनी है, मीनार की हाइट। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले मान लेंगे, माना कि इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी इज इक्वल टू एच मीटर है, ए बी इज इक्वल टू एच मीटर है, और जो दिया है उसको भी हम लिख देंगे, बी सी इज इक्वल टू 30 मीटर दिए गए हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे दिया है। फिर थीटा इज इक्वल टू दिया गया है 30 अंश। तो ये हो गया जो डाटा दिया गया था और जो हमने मान लिया था वो ये है। फिर उसके साथ में हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब आप जो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें वो इस तरह का लगाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, ताकि उसमें ये आ जाए और ये आ जाए, ये तो हो गया एच, एच आ जाए और उसमें और ये आ जाए 30 मीटर वाली भुजा, लंब और आधार, तो इस तरह का जो त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा वो रहेगा 10 30, ये वाला जो कोण है ये ले लिया 10 30 इज इक्वल टू, ये एक बार में आप ले लें 10 थीटा इज इक्वल टू ए बी अपोन बी सी, वो वाला ए बी लंब और ये वाला आधार बी सी। अगली लाइन में 10 30 इज इक्वल टू ए बी हमने एच मान लिया, यहाँ से एच यहाँ पे पुट कर दिया, बी सी कितना है 30 मीटर है 30, 10 30 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 1/√3, 10 30 की वैल्यू होती है, और यहाँ पे एच अपोन 30 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे एच को वहीं रहने देंगे तो ये हो जाएगा 30/√3 इज इक्वल टू एच। अब इसको पक्षांतर कर देंगे, इसको उधर उसको, मतलब दोनों पक्ष पूरे बदल देंगे, एच बराबर 30/√3। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे √3 ये हर में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका परमेकरण कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इसकी यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा 30√3/3, √3 की मल्टीप्लाई करने के बाद में 3 आएगा और 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 10√3 मीटर। यहाँ आपका ये आंसर इस तरह से क्वेश्चन का आ जाएगा। फिर एक बार पूरे ध्यान से इसको हम समझने वाले हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मीनार है भूमि के तल पर, और उसी मीनार के पाद बिंदु से एक कोई बिंदु है 30 मीटर की दूरी पर, और उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो हमने उसी तरह से यहाँ पे एक चित्र बना दिया है,
उसमें बता दिया कि ये हाइट है मीनार की, ये एच हमने मान लिया। यहाँ पे लिख दिया है कि माना कि मीनार की ऊंचाई AB = H मीटर है। उसके बाद में जो दिया गया है वो डाटा हमने यहाँ पे लिख दिया, BC = 30 दिया गया है और θ = 30 दिया गया है, 30 अंश 30 मीटर दिया गया है। अब इस समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में tan θ = AB / BC, tan 30 जो यहाँ पे हमें कोण दिया गया है वो H / 30, AB हमारा H है, BC हमारा 30 है, यहाँ से देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, वो रख दी गई है = H / 30। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, H को वहीं पे रखे रहने देंगे, ये हो जाएगा 30√3 = H। अब ये उधर ऐसे पलट देंगे, H = 30√3, यहाँ पे हर में रूट है इसीलिए हम यहाँ पे परमेकरण करेंगे √3/√3 से, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी यहाँ करके 3 आ जाएगा, 3 से ये कटे 10 आ जाएगा और ये √3 ऐसा ही, तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा H = √10 × √3 मीटर। तो ये आपका उत्तर है। अब इससे बाद में आपको लिखना है, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर होगी। इसके बाद तो वो भी मैं लाइन आपको लिख के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कहाँ को लिखनी है ये लाइन आपको बाद में लिख देनी है। यहाँ पे अतः सबसे लास्ट में मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर होगी। क्वेश्चन आपका बिल्कुल इस तरह से कंप्लीट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और नया क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का, क्वेश्चन नंबर 5। फिर बताना चाहूँगा कि यदि इससे पहले वीडियो आपने हमारी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, पहले समझेंगे एक बार फिर इसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक पतंग उड़ रही है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे है, जो पतंग उड़ रही है। फिर बताया गया है जहाँ पे पतंग की डोर अस्थायी रूप से बांध दी गई है, यहाँ पे उस बिंदु की दूरी बी से, यहाँ से ये नहीं दिया गया, ये दिया गया है कोण, उस बिंदु से जो डोर ने जो कोण बनाया हुआ है इस तरह से, वो 60 अंश का कोण बनाया गया है। फिर समझ लें, एक पतंग है वो उड़ रही है यहाँ पे और डोरी अस्थायी रूप से यहाँ पे बांध दी गई है, पतंग की ऊंचाई जो है वो 60 मीटर है और जो कोण बनाया गया है, पतंग की डोर जो क्षैतिज के साथ में कोण बना रही है यहाँ पे, वो 60 अंश का है कोण। तो अब क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, NCERT की बुक से लिया गया है। पतंग की ऊंचाई हमने लिख दी है और उन्नयन कोण हमने लिख दिया है, उन्नयन कोण 60 का है और पतंग की ऊंचाई जो है वो हमने AB मान रखी है, यहाँ पे AB जो हमने लिखा है वो 60 मीटर है। तो अब हम समकोण त्रिभुज मान लेंगे, जो भी है पतंग की डोर, माना कि पतंग की डोरी की लंबाई एक्स मीटर है, पतंग की डोरी की जो लंबाई हमने मान ली है वो है एक्स मीटर, उसी के अनुसार क्वेश्चन को करना स्टार्ट हम कर देंगे। जो ये एक्स मीटर हमने माना है ये है AC = x मीटर। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में, अभी आपको यहाँ पे देखना है कि इस भुजा और इस भुजा में हमें काम करना है समकोण त्रिभुज की, तो इस भुजा और इस भुजा में जो फॉर्मूला लगेगा वो ही हम लेंगे, वही त्रिकोणमितीय अनुपात हम लेने की कोशिश करेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो लेना पड़ेगा वो हमें लेना पड़ेगा sin θ = λ/κ। तो लंब है हमारा AB, कर्ण है हमारा AC, तो ये वाला हम त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे लेंगे। उसके बाद में हम लिख देंगे sin 60 = ये 60 मीटर दिया गया है वहाँ पे AB और AC हमारा x हमने मान लिया है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे पहले वैल्यू रखेंगे इसकी √3/2 = 60/x, इसकी गुणा यहाँ करेंगे, इसकी यहाँ मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे फिर इसकी यहाँ पे करेंगे फिर ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये √3
जो x इज इक्वल टू ये इसको ऐसे रखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये कट जाएगा। तो ये हो गया रूट तीन हर में है, फिर वो ही परमेकरण आपको इसका कर देना है रूट तीन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 60 गुना 2 गुना रूट तीन, नीचे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से इसको काट देंगे, ये हो जाएगा आपका 20 या 60। और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे फिर 2 रूट तीन, इस तरह का आपका x हो जाएगा। जैसे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 20 × 40 रूट तीन एक्स मीटर। तो ये इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा। फिर एक बार देखते हैं, हमने त्रिकोणमिति अनुपात जो लिया है वो लिया है साइन थीटा, क्योंकि काम इस भुजा और इस भुजा में हमें करना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, साइन 60 जो यूनियन कोण दिया गया है वो 60 अंश का दिया गया है। तो 60 अपॉन एक्स, वैल्यू रख दी ए बी और ए सी की, ए बी और ए सी की, फिर रूट तीन बटे दो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू रख दी है 60 बटे एक्स, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ इसके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दी। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 60 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री से गुना कर दिया ऊपर नीचे, इसके यहाँ मल्टीप्लाई, इसके यहाँ मल्टीप्लाई करके 3 आया 60, और ये मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री। जैसे इससे हम इसको काटते हैं तो 20 आता है, 20 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 40 रूट तीन मीटर। फिर इसके बाद में आपको एक लाइन लिख देनी है ताकि क्वेश्चन आपका और अच्छा लगे आता है। पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई कितना है 40 रूट तीन मीटर होगी, ये आपको लिख देना है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। इसी तरह के क्वेश्चन अगली वीडियो में भी हम पोस्ट करने वाले हैं, तो बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में नए क्वेश्चन में। तो तब